मतलब मकान मिले हैं। तो इसी तरह मतलब नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव जो है ये प्रभाव पूरे देश भर में बहुत ही अच्छा है। और इसीलिए जो 3 राज्यों के चुनाव अभी हुए थे, जो मतलब नागालैंड है, मेघालय है और त्रिपुरा है, तो नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी और एनडीए की सरकार आ रही है, और मेघालय में भी जो एमपीपी है, जो संगमा की पार्टी है और बीजेपी एक साथ आकर वहाँ भी तो सरकार बन रही है। तो कांग्रेस को बहुत बड़ा धक्का देने का काम इस चुनाव में हुआ है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो की यात्रा ना निकाली, लेकिन लोगों के मन में ऐसा है कि भारत जोड़ने की क्या आवश्यकता है। भारत जोड़ने के बजाय राहुल गांधी ने कांग्रेस को जोड़ना चाहिए, कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को मजबूत करने के बजाय ये भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया देश को, तो संविधान ने भारत को ऑलरेडी जोड़ा है, और अभी भारत जोड़ने की जरूरी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा देकर भारत को जोड़ा है, अभी राहुल गांधी को भारत को जोड़ने की क्या आवश्यकता है। और अभी राहुल गांधी को 75 साल के बाद अभी भारत जोड़ो अभियान करना पड़ा, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी 70 साल सत्ता में रही, कांग्रेस पार्टी ने भारत को नहीं जोड़ा था क्या? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया अभी इतने 10 सालों में? इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता जो राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये भारत तोड़ो यात्रा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को विशेष सफलता नहीं मिल पा रही है।